सिटी मैप पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा, देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। भाजपा पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप, सपा बोली पूर्व चेयरमैन को जबरन थाने में बैठाया। करहल विधानसभा के सेक्टर 45 घिरोर में समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन अनिल कुमार गुप्ता को एसडीएम घिरोर, सीओ और इंस्पेक्टर जबरन थाने ले गए हैं। सपा का आरोप है कि सपा नेताओं की फर्जी गिरफ्तार कर प्रशासन चुनाव प्रभावित करना चाह रहे हैं। इस पर सपा समर्थकों ने हंगामा कर दिया। पुलिस का कहना था कि पूर्व चेयरमैन सपा के बस्ते के पास बैठे थे, इसलिए उन्हें वहां से हटाया गया। सपा समर्थकों के हंगामे के बाद पुलिस ने पूर्व चेयरमैन को छोड़ दिया है। योगी सरकार ने पेश किया 33,700 करोड़ का अनुपूरक बजट, नई योजनाओं पर खर्च होंगे 14,000 करोड़। यूपी विधानमंडल सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए 33,700 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। बजट में नई योजनाओं के लिए 14,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। गोल्डी विराट के प्रत्यर्पण केस को मजबूत बनाने में जुटी पुलिस, बनाया जाएगा नया डोसियर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के साजिशकर्ता गैंगस्टर गोल्डी विराट के भारत प्रत्यर्पण के लिए केंद्र व पंजाब सरकार पूरी रणनीति से जुट गई है। पंजाब पुलिस अब नए सिरे से डोजियर तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। पहले चरण में पंजाब के सभी जिलों से गोल्डी के खिलाफ दर्ज केसों का पूरा ब्योरा मांगा गया है, ताकि प्रत्यर्पण के लिए जब अमेरिका में ट्रायल चले तो वहां पर भारत सरकार कमजोर न पड़े। इसके अलावा सरकार केसों को मजबूती से रखने के लिए माहिरों से भी विचार विमर्श कर रही है। लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट सफल, बेटी रोहिणी बनी डोनर। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल हो गया है। ऑपरेशन के लिए बेटी रोहिणी ने किडनी दान की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सिंगापुर में इलाज करा रहे हैं। पिता के सफल ऑपरेशन की जानकारी बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दी है और पूरा परिवार सिंगापुर में इलाज के लिए मौजूद है। तापमान में गिरावट से बढ़ी सर्दी, राजधानी की हवा में दम घुट रहा। दिल्ली NCR में तापमान में गिरावट होने के साथ ही अब सर्दी का एहसास बढ़ने लगा है। उत्तर भारत के राज्यों में दिसंबर की शुरुआत से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत कुछ इलाकों में सुबह के समय कोहरा छाया, तो कई जगहों पर आसमान में स्मॉग और धुंध की चादर दिखाई दे रही है। तापमान में कमी और हवाओं की रफ्तार सुस्त पड़ने के कारण प्रदूषण का स्तर भी गिरता जा रहा है। देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को।